मौजूदा वक्त में यह बॉलीवुड की ड्रीम जोड़ी है। काली शेरवानी में बाजीराव और गोल्डन रंग की साड़ी में जब मस्तानी मीडिया के सामने आई तो हर कोई बाजीराव मस्तानी की इस जोड़ी को देखकर वाह-वाही करने पर मजबूर हो गया। चेहरे पर दिलकश मुस्कान के साथ दोनों काफी देर तक मीडिया के सामने खड़े रहे। इस बीच शटर बक्स लगातार इनके एक एक पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। स्टेज पर पहुंचते ही रणवीर ने मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। दीपिका ने बालों का जोड़ा बनाकर सफेद फूलों का गजरा पहना हुआ था तो रणवीर ने मूंछों पर ताव दे रखी थी। दोनों ने डिजाइनर सब्यसाची का कलेक्शन पहना। स्टेज बनाने से पहले रणवीर सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दीपिका के साथ ये तस्वीर शेयर की जो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शादी के सातवें दिन दीपिका के घर में यानी बेंगलुरु के लीला पैलेस होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी रखी गई। यह रिसेप्शन तड़क भड़क से ज्यादा बेहद पारिवारिक था। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड के ज्यादा सितारे न होकर सिर्फ दीपिका के बचपन के दोस्तों, रिश्तेदारों और कुछ खिलाड़ियों को ही बुलाया गया था। गुलाबी रंग के सूट में पहुंची स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु पहुंची तो पहचान भी नहीं आई। वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। तो वहीं बेंगलुरु के रहने वाले भारत के दो पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद भी अपनी पत्नियों के साथ दीपवीर के रिसेप्शन में पहुंचे। खाने पीने में दक्षिण भारतीय व्यंजनों को ही तरजीह दी गई, साथ ही कोंकणी खाना भी था। दीपिका और रणवीर इसके बाद मुंबई में 28 नवंबर को होटल ग्रैंड हयात में एक खास रिसेप्शन देने वाले हैं। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड के जाने माने सितारे भी शामिल होंगे। रणवीर और दीपिका के इस पहले रिसेप्शन में कई खास बातें थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनके रिसेप्शन वेन्यू की, जिसको लाल रंग के गुलाब के फूलों से सजाया गया था। उसी के साथ इस रिसेप्शन में दीपिका के करीबी दोस्त, उनके करीबी रिश्तेदार और साथ ही साथ साउथ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आए और हमने देखा कि दीपिका और रणवीर दोनों ही सभ्यसाची के कपड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे।